कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे पंखुड़ी से, जो हैं झांसी से और इन्होंने दो तीन स्टार्टअप स्टार्ट किया है। पंखुड़ी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू। आप ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से पूरी की है और एजुकेशन के बाद आप इस बिजनेस में, स्टार्टअप में कैसे आए? तो जैसे आपने बोला, मैं झांसी से हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भोपाल से। उसके बाद मेरी पहली जॉब बॉम्बे में थी और वो बहुत अलग थी मेरे इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस से। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी टीच फॉर इंडिया, एक संस्था है जो कि लो इनकम स्कूल्स में टीचर्स को प्लेस करती है, और हम लोग वहाँ पर थोड़ी दूसरे तरीक़ों से और दूसरा करिकुलम फॉलो करके पढ़ाकर बच्चों में बेटर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। 2 साल की वो फेलोशिप थी, तो मैं बॉम्बे में वो करती थी। फिर क्या हुआ कि जब मेरी फेलोशिप ख़त्म हो रही थी, तब मुझे सोचना था कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। MBA करने का ऑप्शन था, और भी जॉब्स थी जो मैं ज्वाइन कर सकती थी, बट बॉम्बे में मुझे घर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं वहाँ 2 साल में मैंने 5 घर बदले, और हर बार आपको ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है या आपके पसंद का नहीं मिल रहा है। और मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, 22 की थी, तो काफ़ी आपको फ्लैटमेट्स भी चाहिए, वो ढंग के आपको अच्छे आपके हिसाब वाले मिलने चाहिए। तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे बॉम्बे में घर ढूंढने में। तो मैंने सोचा कि मैं एक इसका खुद ही सल्यूशन बनाती हूँ। उसमें क्या होता है ना, वो बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि आप जब खुद कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस करते हो, तब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या करंट चीज़ों में प्रॉब्लम है और आप क्या कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। और क्योंकि वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, कि उसको बनाने में बहुत, आप ये बैठ के सोचो कि अरे मुझे कोई बिजनेस करना है, कोई मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो शायद आप उस प्रॉब्लम से उतना रिलेट नहीं करोगे। तो क्योंकि ये बहुत पर्सनल प्रॉब्लम थी, मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसमें मैं लोगों को रेंट पे घर और फ्लैटमेट दिलाने में हेल्प करती थी। पहले बॉम्बे में ही था, फिर वो पैन इंडिया हमने एक्सपैंड किया, सारी सिटीज़ में था। तो वो उसका नाम ग्राब हाउस था, तो वो काफ़ी बढ़िया कंपनी बन गई। वी हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। हमने बैंगलोर शिफ्ट किया, फिर काफ़ी हमने इन्वेस्टर्स से, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में। 2 साल पहले हमने वो क्विकर को सेल किया, तो क्विकर एक्सपैंड करना चाहता था अपना रियल एस्टेट बिजनेस, और वो भी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी थी। तो ये होता है कि आप कुछ स्टार्ट करते हो, आप उसको प्रूव करो कि ये रिक्वायरमेंट है मार्केट में, और फिर उसके बाद आप उसको एक अच्छा एग्जिट अगर आपको कहीं मिलता है तो वो अच्छा है फाउंडर्स के लिए और कंपनी एम्प्लॉइज़ के लिए। तो अभी 4 महीने पहले मैंने नई कंपनी लॉन्च करी है जो कि वेडिंग्स इंडस्ट्री में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग, स्पेशली लड़कियां जो घर से बाहर रहती हैं, जो ऑफिस जाती हैं, काफ़ी बिजी रहता है, आपको अपना घर भी मैनेज करना है, ऑफिस भी मैनेज करना है, तो जब उनकी शादी हो रही होती है तो वो कैसे प्लान करेंगे अपनी वेडिंग्स। और आजकल ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पेरेंट्स या रिलेटिव्स ही डिसाइड करेंगे कि शादी किस तरीके से होनी है। तो ये थोड़ा मॉडर्न लड़कियों के लिए मैंने बनाया है। अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज पर है, बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। चैट पे कोई भी हमसे किसी भी टाइप का सवाल पूछ सकता है, क्या पहना जाए हल्दी में, मेहंदी में, कहाँ पर मुझे इस टाइप की ड्रेस मिलेगी, किस टाइप का मेकअप मुझे सूट करेगा, ये सारे, या तो आप अलग अलग काउंसलर्स के पास, कंसल्टेंट्स के पास जाइए, यहाँ पर चैट पे आप हमसे पूछ सकते हैं और हम एक्सपर्ट एडवाइस आपको इस पे देते हैं। और ये मेरी नई कंपनी का नाम पंखुड़ी है। पंखुड़ी, आप हमें ये बताएं कि आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद एक तो आप टीचिंग लाइन में गई, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम से आपने सक्सेस निकाला, तो जब आपने इस स्टार्टअप में पैर रखा या फिर शुरुआत की, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस पे? तो पहले ही उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था कि मैंने इंजीनियरिंग के बाद, मेरा MBA कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था और मेरी जॉब भी लगी थी एक IT कंपनी में, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था कि ये टीचर क्यों बनना चाहती है। और NGO में उस हिसाब का पे स्केल भी नहीं होता है, तो थोड़ा उनको लगा था। पर फिर मैंने उनको बोला कि ये मेरी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी और शायद यही टाइम है जब मैं ऐसा कुछ रिस्क ले सकती हूँ, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा अग्री किया, बट तो भी
उन्हें ये लगा कि चलो 2 साल की बात है, उसके बाद वापस ये MBA कर लेगी या जॉब कर लेगी। फिर जब मैंने ये बताया उन्हें कि मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, तो उनका इनिशियल रिएक्शन तो ये था कि ठीक है, तुम अगर करना चाहती हो तो तुम इसको पार्ट टाइम करो, फुल टाइम तुम अपना कोई और जॉब देखो। तो मैंने उनको ये समझाया कि अच्छा, आप मुझे 6 महीने दे दीजिए, क्योंकि एक क्या होता है कि आपको एक आइडिया आता है, आप उसको आपको लगता है हमने सोचा है इसका सोल्यूशन, और आप उसके लिए पैशनेट हो जाते हो कि हमको ये करना ही है। और मैंने देखा है अच्छे फाउंडर्स, नॉट जस्ट सक्सेसफुल, बट जो अच्छा सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं वो काफ़ी ना उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इतनी मेहनत तभी हो पाती है जब आप पूरे समय उसके बारे में सोचो। तो आप ना उस दुनिया में रहते हो, आपको लगता है ये तो हो ही जाएगा, बट तब भी रियलिस्टिकली सबको अपने आप को एक टाइमलाइन देनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे 6 मंथ्स दीजिए, मैं इसको फुल टाइम करना चाहती हूँ, अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं पक्का इस साल काट दूँगी और फिर मैं MBA करने चली जाऊँगी। तो थोड़ा बीच बीच में वो बोलते रहते थे कि ट्राई कर लो कि पार्ट टाइम हो जाए, बट थैंकफुली उन्होंने काफ़ी फेथ दिखाया मुझ में कि चलो ठीक है, इफ़ शी वांट्स टू डू तो इसको हम करने देते। क्योंकि थोड़ा ऐसा है, अगर आपको बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा अपनी फैमिली से, तो एज इट इज़ आपने ऐसा करियर चॉइस चूज़ किया है कि आपको बहुत परेशानियाँ होंगी, बहुत दिक्कत होगी, मेंटली आप काफ़ी परेशान रहते हो, तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप हमें ये बताएं कि जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब भी हमारी बहुत लोगों से बात हुई है, हम हो या आम इंसान की मैं बात कर रही हूँ, तो क्रिएटिविटी बहुत लोगों में है, मैक्सिमम यंगस्टर्स टीनएजर्स में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो या तो कोई प्रोजेक्ट करते नहीं हैं, या करने से पहले उनका होता है इतना एफर्ट्स होता है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे सोचते हैं पीछे सोचते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी उन्हीं तक सीमित रह जाती है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो क्रिएटिविटी तो एक ही पिलर है एंटरप्रेन्योरशिप का, मेहनत एक दूसरा पिलर है, फिर लोगों को सेल करना, सिर्फ आप पहले आप इनिशियली अपने आप को सेल करते हो, फिर आप अपनी कंपनी सेल करते हो कि आओ मेरे साथ ज्वाइन करो और हम इसको बड़ा बनाएंगे। तो जो जो हमारे दिमाग में इनहिबिशंस होते हैं, हम सोचते रहते हैं कि अरे, जैसे मेरे साथ था, मैं बिज़नेस फैमिली से नहीं थी, मेरी पूरी फैमिली में सब, मेरे कज़न सब अच्छी जगह जॉब करते हैं, मेरे पेरेंट्स सब, मैं पहली एंटरप्रेन्योर हूँ अपने घर से, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था टू एक्सेप्ट कि हमारी बेटी बिज़नेस स्टार्ट करेगी, और बिज़नेस थोड़ी ना समझ में आता है, उसमें तो कितनी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो वो अब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस, अगर आपको पता है कि ये जो हमने सोचा है ये हमारे लिए, हम ये करना चाहते हैं सबसे पहले, तो इसका कुछ इम्पैक्ट होगा। कई बार हमें ये भी नहीं पता रहता कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव तो हम हैं पर हम ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यू टू फील, आपको लगना चाहिए कि यार ये इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, और फिर आपको अगर वो कॉन्फिडेंस है खुद पे कि आप ये कर सकते हो, भले ही आप फेल हो जाओ, बट आपको वो कॉन्फिडेंस यूज़ करके अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को, क्योंकि वो आपको इनिशियली हेल्प करेंगे, आपके पहले जो एम्प्लॉयज़ होंगे इनिशियल 10 लोग आप पे बहुत बिलीव करेंगे, आप उन्हें कैसे समझाओगे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कोई आपको थोड़ा भी पैसा देता है, इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना ज़्यादा पैसा है, पर थोड़ा भी पैसा देता है तो आप पे ट्रस्ट करके दे रहा है कि आप उनके पैसे का कुछ तो फ़ायदा करके दोगे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस से आती हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और फिर आप सबसे उसी तरीके से वो आप रब ऑफ करिए अपना कॉन्फिडेंस, कि लोगों को लगे यार इसके साथ मैं करना चाहता हूँ, ये कुछ तो करे। कितने लोगों के लिए हम सुनते हैं राइट, कि बचपन से लगता था कि ये कुछ तो करेगा, तो वो कैसे आता है? आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप जिस तरीके से अपना आइडिया समझाते हैं। स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, तो उस समय आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे फाइनेंशियल हो गया या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, जब कोई भी चीज नया स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो वो कैसे मैनेज हुआ या आपने कैसे उसको हैंडल किया? तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, स्पेशली अगर आप यंग एज पे स्टार्ट करें, जैसे मेरे केस में मैं वो टीच फॉर इंडिया फेलोशिप की बात कर रही थी, तो मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसे कोई बहुत साल तो किसी बड़ी कंपनी में काम किया नहीं था, तो
सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसको मैं फ़ंड कैसे करूँगी और ख़ुद को भी कैसे सर्वाइव करूँगी. मैं बॉम्बे में रहती थी तो इनिशियली ऑब्वियसली मैंने अपने पेरेंट्स से थोड़े इनिशियल फ़ंड के लिए वेबसाइट ख़रीदने का जो पैसा लगता है तो उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प करी. बहुत अमाउंट नहीं था तो उन्होंने स्टार्टिंग तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले ही करते हैं. अगर वो आप पे ही यकीन नहीं करेंगे कि वो आपको थोड़े पैसे दे दें सेटअप करने, तो आपको बैठ के सोचना चाहिए कि मैं बाहर जाके दुनिया को कैसे समझाऊंगा, यकीन दिलाऊंगा कि ये बिज़नेस एक्चुअली वैल्यूबल बन सकता है. तो फ्रेंड्स फैमिली आपके कोई प्रोफेशनल कलीग्स जो हैं वो आपको इनिशियली हेल्प कर सकते हैं. तो वैसा हुआ था. फिर होता है कि आपको ना अकेलापन बहुत हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में. इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, आगे भी जब आपकी कंपनी, मेरी कंपनी में 250 एम्प्लॉयज़ थे एक पॉइंट पे. मैं काफ़ी ऑफिस में रहती थी, पूरे सातों दिन मैं 8-9 घंटे तो ऑफिस रहती ही थी. तो तब भी आपके दोस्त नहीं बनते क्योंकि आप तो आपको तो वो प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. अगर आप घर से बाहर रहते हो तो फिर आप किसके साथ, आप शायद फ्लैटमेट्स के साथ रह रहे हो, वो आपका लाइफस्टाइल नहीं समझेंगे क्योंकि 9 to 5 जॉब और ख़ुद की कंपनी चलाने में बहुत अंतर होता है. आप अगर घर आ भी जाओ तो आप अपना मेंटल स्विच बंद नहीं कर सकते. आप वही सोचते रहोगे, कोई परेशानी है, पैसा रेस करना है, सैलरीज देनी है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये आइडिया नहीं आ रहा है, इसमें बहुत पैसा लग रहा है या नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इस टाइप की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जैसे लोग ऑफिस गए वापस आए, अपना बंद करके वो अपना इन्जॉय कर सकते हैं. तो आप उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो जो कि आपकी मेंटल स्टेट नहीं समझते हैं. तो ये दो तीन, मतलब आपको फिनेंशियल बर्डन तो है ही, दूसरा आपको बहुत काम करना पड़ता है फिजिकली ऑल्सो, यू गेट एग्जॉस्टेड, और तीसरा देर इज़ अ लॉट ऑफ लोनलीनेस और इमोशनली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो जो इमोशनल और क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, कब तक करते रहना चाहिए, जो अंदर हमारे जो दुविधा होती है उससे जो हम लड़ते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, वो सबसे बड़ा चैलेंज है. क्योंकि उसी की वजह से या तो आप जल्दी गिव अप कर देते हो या आप परेशान हो जाते हो इतना ज़्यादा कि आपको लगता है यार मैं जाके अच्छी जॉब ही करूँ, मैं ये क्यों करता रहूँ. तो उस टाइम पे आपको कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए रहता है, कि आपके कुछ दोस्त हों जो आपको बोलें कि नहीं, या आपके पेरेंट्स हों, जो भी, सबके अलग अलग घर में सोशल स्ट्रक्चर में अलग अलग इक्वेशंस होती हैं. तो दो तीन लोग भले आपके कंपनी में काम ना करते हों, आपके को फाउंडर नहीं हों, पर जो आपको एनकरेज करते रहें, वो आपको स्टार्टिंग में ढूंढना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे पास ऐसे मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि हमेशा मुझे बोलते थे अरे, जैसे मेरा भाई, दीदी आप तो गिव अप नहीं कर सकती, कैसी बात कर रही हो, आप गिव अप नहीं कर सकती. तो फिर आपको लगता है कि भले ही वो हेल्प नहीं कर पाएंगे बट यू हैव दैट स्ट्रेंथ. तो वो बहुत ज़रूरी है ढूंढना बिफोर आप ऐसे लगता है यू आर जंपिंग ऑफ द क्लिफ, खाई में कूद रहे हैं. तो थोड़ा ऐसे भी नहीं कूद जाओ, प्रिपेयर योर गेयर. हाँ, आपके पास पैराशूट होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ कूद रहे हैं. तो वो बना कर डिसाइड करना चाहिए वेदर यू वॉन्ट टू स्टार्ट और नॉट. हार और जीत इंसान के मानने में होती है. अगर वो सोच ले, वो मान ले तो हार, वो ठान ले तो जीत. पंखुड़ी से मिलकर हमें यही पता चला है. पंखुड़ी, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. अनछुए पहलू की पूरी टीम को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.